एलएसी पर चीन को अब उन्हीं की लहजे में जवाब देने की तैयारी भारतीय सेना कर रही है। आईटीबीपी के जवानों को अनआर्म्ड कॉम्बैट का परीक्षण दिया जा रहा है। चालबाज चीन की नीयत में खोट है, पहले गलवान और फिर तवांग में साफ हो गया। लेकिन जिस तरह भारतीय शूरवीरों ने चाइनीज आर्मी को हर बार सबक सिखाया, उसी तरीके से हिंद के शूरवीरों ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। ये आईटीबीपी के पंचकुला में बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां आईटीबीपी के जवानों को अनआर्म्ड कॉम्बैट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय चीन सीमा पर ड्रैगन की हर वक्त आंख रहती है, भारतीय जमीन को हथियाने के लिए, और पीएलए के जवानों को भेजा जाता है भारतीय जवानों को उकसाने के लिए, उस स्थिति से निपटने के लिए। ये आईटीबीपी का बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है पंचकुला में, यहाँ पर आईटीबीपी के जवानों को तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से अनआर्म्ड कॉम्बैट की जो घटनाएं होती हैं, यानी बिना हथियारों के जब पीएलए और भारतीय जो जवान हैं आईटीबीपी के और भारतीय सेना के आमने सामने आते हैं, तो कई तरह के हथियारों से ही सामना करना पड़ता है। आप देखिए जिस तरह से ये बेसबॉल बैट के ऊपर जो कंटीली तार लगाकर भी जो जवान हैं पीएलए के वो आ जाते हैं, तो उनका सामना करने के लिए आईटीबीपी के जवानों को कैसे तैयार किया जाए।